श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि चुकंदर के पैक से आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। प्रदूषण के कारण बाल झड़ने लगे हैं आजकल। हम घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं जिसके कारण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का असर बालों पर पड़ता है और नतीजन हमारे बाल झड़ते हैं। अनियमित दिनचर्या और काम के दबाव के कारण तनाव ने लगभग सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जिसके कारण बाल झड़ते हैं। अस्वस्थ खान पान और अनुवांशिक कारण भी बाल गिरने के कारण है, लेकिन इसके उपचार के लिए सबसे अच्छी दवाएं आपके किचन में मौजूद है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुकंदर से कैसे आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं। अभी कैसे इसको तैयार करना है। चुकंदर के पत्तों को लेकर पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। अब पत्तियों को निचोड़कर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को एक चम्मच हीना मिलाकर अपने सिर पर अच्छे से पेस्ट को लगाएं। इस पेस्ट को 20 से 25 मिनट तक बालों में लगा रहने दीजिए और फिर बाल को धो लीजिए। इस तरीके को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे सुबह के वक्त हफ्ते में 3 से 4 बार प्रयोग करें। इसके अलावा चुकंदर के पत्ते और हल्दी पाउडर मिलाकर सिर की त्वचा पर लगाना भी अच्छा उपाय है। इस पेस्ट को रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है। चुकंदर के रस में थोड़ा सा सिरका मिलाकर सिर में लगाएं या फिर चुकंदर के रस में अदरक का रस मिलाकर बालों में मसाज कीजिए और सुबह बालों को धो लीजिए। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि चुकंदर कैसे प्रभावी है। चुकंदर में विटामिन बी और सी, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन आदि जरूरी तत्व होते हैं जो बालों के विकास में सहायक होते हैं। ये तत्व एंटीऑक्सीडेंट की तरह है जो कि बालों को प्राकृतिक रूप से निखारते हैं। चुकंदर से सिर के खुले रोम छिद्र बंद होते हैं जिससे बालों को मजबूती मिलती है। पोटेशियम की कमी भी बालों के झड़ने का प्रमुख कारण है और चुकंदर में पोटेशियम होता है। अगर आप बालों को बढ़ाना चाहते हैं तो रोज चुकंदर का जूस पिएं। इसके अलावा पालक और गाजर का जूस भी बालों को मजबूती प्रदान करता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।